ये तस्वीरें किसी होटल या रेस्टोरेंट की नहीं बल्कि पानीपत में खुले वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम की है। स्वामी जी से हमने बातचीत करवाई लेकिन अच्छा। प्रधान जी हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सीसीटीवी लगे हुए हैं और बढ़िया एटमॉस्फेयर आप लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या दिमाग में आई, कैसी चीज लेकर आए? सब प्रभु ने प्रेरणा दी, जो कोई दिमाग में जो है नहीं, सब वही हमें प्रेरणा दे रहा है। यह स्वामी जी का आशीर्वाद हो रहा है। सच बात तो ये है, बाकी तो अपना झूठी बातें हैं। प्रभु जो है मतलब कहता भी कल ये करवा दो, कोशिश करते हैं, उसी तरह हो रहा है। और जितने हमारे जो 102 मेंबर हैं, वो जो शहर के लीडिंग जो है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक्सपोर्टर हैं, वो हैं, एक से एक ईंट जुड़ती है, उनका जो सहयोग है, मतलब जुड़ना ही जो है नहीं, एक शहर के अंदर बड़ा अच्छा मैसेज आता है। आप लोग इतने बिजी है, आपका सिस्टम इतना शेड्यूल बिजी रहता है, कैसे टाइम निकाल लेते हो आप? बस वो टाइम तो बात है, अब ये नहीं पता कैसे चल रहा है। वो एक कहावत है ना जी, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, वो कहावत या चरितार्थ हो रही है, करने वाला वो है, प्रेरणा उन्हीं के, सब हमारे सब प्रबुद्ध जोन जुड़े हुए हैं, ये हम मंदिर समझ के आएंगे। पहले सतीश जी को भगवान ने प्रेरणा दी कि गौशाला में जुड़ो, गौओं की सेवा करो, बहुत होली भाइयों की सेवा, अपने परिवार की बच्चे हो गए सियाणे, अब रिटायर हो जाओ, तो इनके साथ फिर हम तो डिब्बे हैं, हम भी जुड़ गए, आप रिटायर हो गए। इंजन है जी। दूसरी बात ये कि एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, कहनी इंची है भाई, मेरे दो बेटे हैं, उन्होंने मेरे को जो है नहीं मतलब पूरी सपोर्ट करी है, जब भी जो है मैं ये मतलब थोड़ा बहुत काम कर सका। कहते ना कि जहाँ पर कृपा राम की होई, तां पर कृपा करे सब कोई। सतीश जी इंजन बन गए और डिब्बे जुड़ते चले गए, एक बहुत बड़ा एक पानीपत को सौगात मिल चुकी है, जो 7 जुलाई को इतना बड़ा एक आनंद का उत्सव होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में, और अध्यक्षता हमारे ईडी रिफाइनरी के अपना जी आ रहे हैं। और मैं शहर से अपील करता हूँ इस सुनहरे माहौल में इस आश्रम का अवलोकन करें और साक्षात देखें कि वाकई इस आश्रम में आज जो अपने बच्चे सेवा नहीं कर सकते, वो आज पूरे आश्रम में जन सेवा संस्थान के सभी प्रबंधक समिति ने जो व्यवस्था करी हुई है, वो देख करके शहर इसको अनुसरण करे, ऐसा हमारा। आप लोग शहर से ये भी अपील करेंगे कोई दान किसने देना हो या किसने और मेंबर बनना हो, कोई ऐसी कोई अपील नहीं है, सिर्फ एक है, अगर किसी बच्चे का जन्मदिन है तो उसके अंदर वो सारे जो भगत आए हुए हैं कर सकता है, वो हमारी कोई डिमांड नहीं है, ऐसे जन्मदिन है उसका, अगर वो चाहे तो यहाँ जन्मदिन बच्चा मना सकता है, और उसकी एक हफ्ता 10 दिन पहले, मतलब इस तरह के, मतलब इनके बीच में फिर इनको भी ना पता लगे कि हम लोग की हमारी तो सबसे बात यह है कि हमारा कोई, हमारी डिमांड तो प्रभु से है बस, और हमारी डिमांड देखो जो करेगा अपने लिए करेगा, मैंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया, सच बात तो ये है, जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, सब स्वेच्छा से जुड़े हुए हैं, होड़ लगी हुई है दानदाताओं की, जैसे जैसे सबको पता लग रहा है सब जुड़ते जा रहे हैं, अकेला चला था कारवा जुड़ता गया, यहाँ पे वो कहावत सच हो रही है, और सभी प्रबुद्ध जन पानीपत के सभी संस्थाएं सहयोग कर रही हैं, और जोर शोर से आप लोगों से भी अनुरोध है मीडिया के माध्यम से इसके और ज़्यादा ज़्यादा मतलब लोगों के बारे में बताएं, इतना नोबल कार्य हो रहा है, जो काम आप कर रहे हो कोई कर नहीं सकता। नहीं नहीं, आप लोगों की नहीं, सेवा नहीं, है, इसे हम प्रेरित तो हो सकते हैं। नहीं जी, आप समाज को तो अवगत आप कराओगे नहीं, इससे बढ़िया कोई साधन नहीं, चाहे हम 10 करोड़ रुपए का एडवर्टाइज कर लें, इससे बढ़िया कोई साधन नहीं, सीधी बात तो ये है, मीडिया का बहुत बाकी ऐसा थोड़ी सी आदत खराब है सीधा बोलने की। एक बार किचन पे भी नजर मार लें, बहुत बढ़िया प्रयास है ये, पानीपत में है और रोहतक की जो है संस्था है, और पानीपत में इन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है, फिलहाल जो है 400 बेड जो है यहाँ पर लगे हैं। ये देखिए इनकी किचन है, साफ सुथरी किचन, नए बर्तन, ये आटा गूंदने की मशीन आप देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर अवेलेबल हैं, और यहाँ पर जो है खाना जो है, यह खाना बनने का काम रहेगा जी, है जी, यह खाना बनेगा, यह खाना बनेगा और बाहर सबको बिठा करके और उनको सर्व किया जाएगा। अच्छा, डॉक्टर की टीम भी यहाँ पर रहेगी? डॉक्टर की टीम तो नहीं रहेगी, सहयोग लेंगे संस्थाओं से, जैसे अपने अग्रसेन हॉस्पिटल है या और भी जहाँ जहाँ से भी सहयोग मिलेगा वहाँ से टाइम टू टाइम डॉक्टर आते हैं, और काफी डॉक्टर्स ने भी ऑफर किया, जोशी गुप्ता ने, डॉक्टर जोशी गुप्ता जी हैं, डॉक्टर टी आर मदान को मना भी नहीं करेगा, मतलब एक बार डॉक्टर मदान आए थे जी, डॉक्टर मदान आए थे, डॉक्टर सोनलाल यहीं पे इस कॉलोनी में, दोनों इनका मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ, टेलीफोन करो, निस्वार्थ मैं आगे सेवा करूँगा। तो और भी कितने डॉक्टर हैं, सबका दिल करता है भी हम भी सेवा करें, क्योंकि मानव सेवा प्रभु सेवा,
तो हर एक आदमी चाहता है मैं भी अपने टाइम में से थोड़ा बहुत निकाल के जो भी मैं कर सकता हूँ, जो मेरा सामर्थ्य है, तो जो मेरी कला है या जो मेरा आर्ट है या जो मेरे अंदर कैपेसिटी है वो मैं थोड़ी बहुत उसके अंदर जरूर लगाऊँ। अच्छा, आप लोगों की तरफ से निःशुल्क है ये, मतलब जो ब्रिज यहाँ पे? 100% बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बाहर ही नहीं जाएंगे, इनके तो सब यही होगी सेवा, ये बाहर भी अलाउड नहीं है ज़्यादा। अब आप मंद बुद्धि है, यही रहे। अब आपका भी दायित्व है, आपकी फॉलोइंग काफी है, तो इसको जैसे भी इसका प्रचार प्रसार खूब कीजिए जी, जिससे कि और ज्यादा आप लोगों की सेवा हम दिखा रहे हैं। जो वो ठीक है, काफी लोग जुड़े हैं और जो नीडी है उनको यहाँ से सुविधा मिले। ये खाना बनाने की मशीन है, ये भी डोनेट हुई है। रोटी बनाने की मशीन है, यहाँ से पेड़ी डलेगी। वो गूंदने की मशीन, आटा गूंदने की मशीन है, वो सामने जो रखी है। तो एक घंटे में 500 रोटी बनाएंगे, 500 रोटी एक घंटे में। और इसके अंदर जो है ना, सभी को आश्रम से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, पूरी सिक्योरिटी होगी। जो भी होगा हर रोज उनके जो है कपड़े बदलने हैं, डेली चेंज होगा। अच्छा, आप लोग दिन में एक बार ही तो आए होंगे यहाँ के? बिल्कुल बिल्कुल, दायित्व संभाला है तो ड्यूटी देंगे पूरी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इस वीडियो को भी शेयर करें और आसपास के लोगों को भी बताएं कि यहाँ पर ये चीज़ हैं, और कोशिश करें कि हिंदुस्तान में ऐसे वृद्ध आश्रम खोलने की जो है नौबत ना आनी पड़े, अनाथ आश्रम खोलने की नौबत ना आनी पड़े। समाज सेवा ही अच्छी सेवा है, और साथ के साथ आपको कहेंगे इस वीडियो को भी शेयर करें और इस संस्था से भी आप जुड़ना चाहते हो तो जरूर जुड़ें। नमस्कार।